नमस्कार, मैं सुरेश स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस चैनल में। तो आज हम 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक एरीज यानी मेष राशि की रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है। ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, किसी पर हो सकती है और किसी पर नहीं हो सकती। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग है, जो अभी अभी पास्ट बीता है, रिसेंट पास्ट, और जो 72 आवर्स करंट एनर्जी के लिए, और जो अभी फ्यूचर नियरेस्ट जो फ्यूचर है उसका हम रीडिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज माता रानी का नाम लेकर चलिए चलते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ एरीज यानी मेष राशि वालों के 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के दिन कैसे रहने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और ये है गाइडेंस के लिए। तो द स्टार, ये आपका एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए पास्ट का कार्ड आया है। तो एनर्जी बता रही है कि पास्ट में हो सकता है कि आपने काफ़ी नुकसान उठाया हो, काफ़ी लॉसेस आपके हुए हों, किसी फाइनेंस को लेकर या किसी और चीज़ को। हो सकता है कि आपने पास्ट में अपनी किसी चीज़ की नई बिगनिंग करने की कोशिश की है, और अगर आपको उसमें डीप हीलिंग की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी, और अगर आपने वो डीप हीलिंग की है या प्रेयर किया है, भगवान से प्रार्थना की है, और उसके बाद आपने नए सिरे से आपको अपने काम को उठाया है, नया काम दोबारा से जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, जिसके कोई आसार ही नहीं बचे थे, तो अगर उसमें आपने नई अच्छी शुरुआत डाल दी है, तो आगे आपका जो प्रेजेंट एनर्जी है और फ्यूचर ब्राइट रहने वाला है। एनर्जीज बताएंगे कि आगे का आपका ये जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है कैसे रहने वाला है। तो पास्ट आपको लग रहा है कि आपने उसमें काफ़ी तकलीफें और काफ़ी परिश्रम किया है, काफ़ी एफर्ट लगाए हैं। हो सकता है कि किसी कारण से आपका काफ़ी बड़ा लॉसेज इसमें दिखाई दे रहा है, हुआ हो तो, लेकिन आपने अपने आप को संभाल लिया है, और पास्ट में ही आपने एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अपनी नई बिगनिंग शुरू कर दी है। तो ये प्रेजेंट एनर्जी, ये एरीज आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही है, जो करंट एनर्जी है, कि आप किसी ना किसी सेलिब्रेशन के मूड में हैं, आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हों, या फैमिली के साथ हों, या बच्चों के साथ हों, तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको या तो मिल चुकी है या तो बहुत जल्दी मिलने वाली है। आपके काफ़ी अच्छे आसार इसमें बनते दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है ये मैरिज का भी कार्ड हो सकता है, कि अगर आपका कोई रिश्ता या रिश्ते में शादी के लिए कोई नई शुरुआत हो रही है, तो उसमें भी आप नई शुरुआत कर सकते हैं। आप इसमें एनर्जी कह रही है कि आप घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए, डेट्स पर जाइए, सेलिब्रेशन कीजिए, बच्चों के साथ पिकनिक मनाइए, सिनेमा जाइए, टूर ट्रैवल कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। आपका ये जो करंट एनर्जी है आपके फेवर में काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन जो भी काम करें सावधानी के साथ करें। तो ये पास्ट फ्यूचर, आपका फ्यूचर काफ़ी सिक्योर होता नज़र आ रहा है। आप काफ़ी इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लवली हैं, प्यारे हैं, क्यूट हैं, और सबको प्यार देने वाले हैं, और आप पैसे को काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं, निहार रहे हैं। आप स्टेबल हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को और भी स्टेबल करने में लगे रहेंगे, बिजी रहेंगे। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी इसी तरह मेहनत की जाए, एफर्ट लगाए जाए, और अपने परिवार को जहाँ से वो थोड़ा सा लॉसेस में चला गया था पास्ट में, उसको फिर से एक नई बिगनिंग और एक नई शुरुआत के साथ उसी मुकाम पर पहुँचा दिया जाए जहाँ से वो
अभी उन्होंने शुरू किया है, तो आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा सिक्योर दिखाई दे रहा है। तो आप अपने फ्यूचर में एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट को बढ़िया जिए और फ्यूचर को भी मस्त बनाइए, इंजॉयफुल बनाइए। और आप स्टेबल रहने वाले हैं फ्यूचर में, तो अपने मेहनत और एफर्ट करते रहिए और उसका फल पाइए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसमें गाइडेंस दी जाती है कि आप जिस भी काम में हाथ डालो, किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से या मेंटोर गुरु की सलाह से या फैमिली वालों का सपोर्ट लेकर काम को करो। अगर आप मिलजुल कर किसी काम को अंजाम देते हो, करते हो, तो आप इस काम में बहुत सक्सेस हो सकते हो, कामयाब हो सकते हो। तो ये फैमिली से मिलने जुलने का कार्ड है। आप और अगर थोड़ा सा अगर आप दान भी करें तो भी आपके ये फेवर में हो सकता है, अच्छा है। थोड़ा सा जितनी आमदनी हो रही है उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट निकाल कर, जो पीछे पास्ट में आपको नुकसान उठाना पड़ा, अचानक से कोई सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आया, काफ़ी भयानक स्थिति में आप गुजरे, तो अभी आपकी नई शुरुआत शायद दिख रही है और आपका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो उसको हमेशा के लिए सिक्योर करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए बड़े बुजुर्ग की सलाह लेते रहिए, बड़ों के साथ मिलकर काम करिए और थोड़ा सा उसमें से दान पुण्य भी कुछ ना कुछ करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते।